बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के जिला स्तरीय संगठन चुनाव हुआ संपन्न। बेगूसराय में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के बेगूसराय जिला संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया। चित्रगुप्त मंदिर के सभागार में आयोजित चुनाव में संगठन से जुड़े लोग पंक्तिबद्ध होकर अपना अपना मतदान किए। मतदान के इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में मुंगेर के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। आज के इस मतदान में जिला अध्यक्ष के रूप में कैप्टन रामकृष्ण पाठक का चुनाव हुआ। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार रॉय चुने गए। इस मौके पर उपाध्यक्ष मनोज कुमार रॉय ने बताया कि संगठन की ओर से जो दायित्व दिए गए हैं उसका निर्वहन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अवधेश कुमार, जिन पर CEO पर हमला का आरोप है, इस घटना पर दुख व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अवधेश कुमार के शरीर पर जगह जगह गहरी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि CEO के साथ के लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी भावेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे। सैनिक अध्यक्ष हैं सर, बिहार में किस तरह का ये काम करेंगे? मैं मुंगेर का अध्यक्ष विपिन कुमार का हूँ, भूतपूर्व सैनिक का अध्यक्ष हूँ और मुझे पटना से डिटेल किया गया है यहाँ पर इलेक्शन कराने के। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है और बहुत कार्य संपन्न हुआ है। हम लोग इनके कार्य को देखकर इनके हम बहुत आभारी हैं। जिला स्तरीय चुनाव हुआ जी? जिला स्तरीय चुनाव हुआ है। हाँ, जिला स्तरीय चुनाव हुआ है। चुनाव संपन्न हुए कौन कौन पद के लिए? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए रामकृष्ण ऑनरी कैप्टन रामकृष्ण पाठक जी और दूसरा मनोज कुमार जी हैं और क्या नाम अशोक कुमार जी हैं उपाध्यक्ष पद के लिए। और आगे क्या कार्यक्रम है सर? अभी तो हम लोगों ने इलेक्शन करा दिया, अब ये लोग अपना कार्यक्रम करेंगे जो और पद के लिए इन्होंने जो बनाना होगा। जैसे अभी पद है सचिव के लिए, वरिष्ठ सलाहकार के लिए, ये सब ये अपना खुद चुनाव करेंगे। हमारा काम था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ हवलदार विपिन कुमार, मैं मुंगेर पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हैं मालती देवी और ये हमारे वरिष्ठ सलाहकार जी हैं संजीव कुमार गुप्ता और ये हमारे वरिष्ठ सलाहकार जी हैं कैलाश मंडल जी, ये हमारे अतिथि जी, ये हैं इनका बताएं उपाध्यक्ष महोदय हमारे। मैं मनोज कुमार राय अभी अपने बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष चुना गया हूँ। बाकी जो हम लोगों का मेन यहाँ का रिक्वायरमेंट है ECHS, CSD और हमारे कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर CSD बने, ECHS बने और वहीं पे हम जो हम लोगों का ऑफिस है अभी बस स्टैंड में वो भी टूटने के कगार पे है। तो हम लोग का यही कोशिश होगा कि वहाँ पे एक अपना बिल्डिंग बन जाए जिससे कि सारे चीज़ एक जगह हमारे हो जाए। अब रही हमारे पूर्व सैनिक अवधेश कुमार जी जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं कल अपने सैनिक संघ के साथियों के साथ उनको देखने गया था, मिलने गया था। उनको काफ़ी चोट लगी है सर और उनके पूरे शरीर पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी निशान हैं। एक आदमी को जो इन्फेंट्री में सोल्जर रहा है, उस CO साहब अकेले उस आदमी को नहीं मार सकते हैं। उनके CO साहब के साथ में और कोई बंदे हैं, क्योंकि वो अवधेश सिंह बोल रहा है कि मैं उन बंदों को जानता नहीं हूँ। हम अपने अध्यक्ष साहब के साथ हैं और जैसा इनका आदेश होगा हम इनके आदेश का पालन करेंगे। दूसरी बार जीते हैं क्या? मैं पहली बार। क्या क्या मतलब कैसा अनुभव हो रहा है? पहला बार आप उपाध्यक्ष पद पर आए? लोगों का डिमांड था तो
और लोगों ने मुझे इस पद के लायक समझा तो मैं अपने साथियों का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? मनोज कुमार राय है। और वे हमारे संगठन से ना दूसरे संगठन से वो जुड़े हुए हैं, वेटरन इंडिया में वो हैं। रही बात उनके साथ जो घटना हुई है, उनको साजिश के तहत SC ST एक्ट में मुकदमा खगड़िया जिला में फंसा करके, और वो अभी कराधीन हैं। हम लोग सिर्फ जानकारी लिए हैं कि उनका केस चल रहा है, ट्रायल में है, अब क्या होगा नहीं होगा। चूंकि हमसे न तो कोई उनके परिवार वाले या किसी ने संपर्क किया, और ना हम लोग सिंपैथी के तौर पे उनसे सिर्फ MLC से भी बात किए, राजीव जी से, लेकिन उन्होंने कहा हम लोगों की कहीं कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो SC ST का मुकदमा हमने इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हम सैनिकों का बहुप्रतीक्षित मांग था वन रैंक वन पेंशन माननीय वर्तमान सरकार मोदी जी की सरकार ने हम लोगों को दिया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन टू में हमारे 85% जवान और JCOs का जो हक था, जो मिलना था, वो नहीं मिला। आपको उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जैसे फील्ड एरिया होता है, जैसे बर्फ है, राजस्थान है, लेह है, जहाँ भी परेशानियाँ हैं, उस एरिया का एक मिलिट्री सर्विस पे अलग से मिलता है, इसको भी रैंक वाइज कर दिया। जो जवान रोड पे खड़ा होकर के राजस्थान की तपती गर्मी में रेतीली 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रहता है, या लेह और लद्दाख में जाकर के बर्फ में खड़ा रहता है, उसको 5200 रुपया मिलिट्री सर्विस पे, और एक अधिकारी को 15,500 मिलिट्री सर्विस पे। हम लोगों का कहना है कि भाई हार्डनेस आपका जब पे स्लैब अलग है, आप ऑफिसर हैं, आपका ऑफिसर का पे है, सब कुछ अलग है, तो फिर जो मिलने वाला जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सब रैंक को बराबर मिले, बिकॉज इसका पेंशन में भी बेनिफिट होता है। इसलिए हमारा मांग है ये, इसने ओरोप टू में 2014 में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए उससे पहले वाले को लिया, उसके बाद वाले को छोड़ दिया। आप उठा के देखेंगे डिसेबल पेंशन, जो जवान हमारा मौसम की मार के वजह से या लड़ाई के दौरान या किसी सर्च ऑपरेशन में जो जवान घायल हो जाता है और अधिकारी घायल हो जाता है, एक जवान घायल होता है तो उसको 17,000 रुपये डिसेबल भत्ता मिलता है, और एक ऑफिसर घायल होता है तो उसको 2,50,000 रुपये 2,52,000 रुपया एडिशनल पेंशन से अलग हट के 2,50,000 रुपया। क्या ये न्यायोचित है? कहीं से ये बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है। उस चीज़ को हम करें, भत्ता को बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी भत्ता हो। तो आपका किस तरह का हम लोग 20 फरवरी 2023 से हम लोग का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है, और उस धरना का आज 141वां दिन हो चुका है। 23 जुलाई को हम लोग पूरे भारत के, पूरे देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, सभी से अपील किए हैं। हम 28 लाख पूर्व सैनिक, जिसमें 7 लाख हमारी वीरांगनाएं विधवाएं हैं, वो सारे वहां पे दिल्ली में पहुंचने का हम लोग एक व्हिप जारी कर चुके हैं, और उसके तहत अपनी मांग को लेकर के हम संसद भवन का घेराव करेंगे 23 जुलाई को, जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, सरकार की दमनकारी नीति, सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ। और हम अपनी मांग ओरोप के लिए सरकार को दोषी मान रहे हैं, सरकार ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है टोटली। लाठी चार्ज भी होगी तो देखिए, हमें किसी चीज़ का मलाल नहीं था, हम उसकी चिंता ही नहीं करते हैं, और हम तो गोली से नहीं डरे दुश्मनों के बीच, तो हम लाठी, पुलिस की लाठी से नहीं डरेंगे, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हम अपना संसद का घेराव करेंगे। जहाँ पे सरकार की पुलिस हमें अपने फोर्स से रोक देगी, वहीं पे रुक जाएंगे हम। ऐसा कोई विरोधाभास या तोड़फोड़ की राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग नेशन फर्स्ट के मुहिम में हैं, राष्ट्र के हम लोग सैनिक हैं, पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम हैं। चलिए, क्या नाम? मेरा नाम भवेश कुमार भारतीय हुआ, मैं बेगूसराय पूर्व सैनिक का मीडिया प्रभारी। आप सब दोबारा चुने गए हैं अध्यक्ष पद के लिए, कैसे देखेंगे? संघ ने जो दायित्व दिया है हमें, जिस अनुपात से हम पहले भी संघ का काम कर रहे थे, कारण कि संघ का अस्तित्व नहीं था बेगूसराय जिले में, और हमने जिले के पटल पर इसे खड़ा किया, पुनरुद्धार किया, और हर इसकी मांग, जो जवानों की मांग इससे संबंधित, हमने हर स्तर पर, चाहे वह पूर्व सैनिकों के लिए ECHS का मांग हो, सोल्जर डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड का मांग हो, और रेस्ट हाउस का मांग हो, और CSD कैंटीन से संबंधित की मांग हो, हमने हर स्तर पर
इसके लिए लड़ाई लड़ा है और सेना मुख्यालय तक इसे पहुंचाया है। रक्षा मंत्री तक भी हमने ECHS के लिए लड़ाई लड़ा है, उनका भी अनुमोदन हुआ है और धरातल पर जब तक खुल जाए हम लोग प्रयत्नरत हैं और ये करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, उसी ताकत से करेंगे, उसी मनोबल से करेंगे और हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे अपने मांग के लिए। बेगूसराय में लगातार पूर्व सैनिक को जो है प्रशासन के तरफ से जो है प्रयासित किया जाता है, बकरी वाला मामला लेकर एक जमीन वाला मामला है, उसका भी जमीन हड़प लिया इस तरह का। नहीं, ये जो घटना हुई है वो निंदनीय है, प्रशासन ने जो कदम उठाया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, यह ठीक नहीं है। वो पूर्व सैनिक सैनिक है, अपनी पूरी सेवा राष्ट्र की सेवा समर्पित करके उसके उपरांत वह घर आया है और घर आने के बाद शांतिपूर्ण जीवन तरीके से इसी क्रम में, जबकि वह अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सोच के मुताबिक वह एक जमीन लिया था लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराया था, 10 वर्ष उसके पास कब्जा रहने के बावजूद भी इसलिए कि उस जमीन पर यदि किसी प्रकार की बाधा हो, अड़चन हो, तो हम उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन 10 वर्षों के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री वह व्यक्ति, वह पूर्व सैनिक कराया, उसका सारा अभिलेख कंप्लीट है, ऑनलाइन उसका रसीद कट चुका है। इसके बाद जब वह CO से म्यूटेशन के लिए गया, पुटअप किया, तो CO साहब ने कहा कि बगैर लेन देन का पैसे के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। और इसी उसने कहा कि तब हम कितना पैसा आपको दें म्यूटेशन करेंगे, उन्होंने कहा कि CO ने कहा कि 5 लाख। अवधेश कुमार पूर्व सैनिक बोला कि हम 5 लाख तो तत्काल में नहीं दे सकते हैं, 50,000 रुपये की वह मांग पूरी किया, वह CO को दिया। लेकिन पिछले विगत 6 महीने से आनाकानी हो रहा था, न म्यूटेशन हो पाया और इसी क्रम में CO का स्थानांतरण हो गया। यह बात जब सुनने में आया पूर्व सैनिक को तो वह गया उनसे मिलने के लिए कि आपका स्थानांतरण जा रहे हैं, मेरा पैसा आप लौटाए नहीं। इसी क्रम में वहाँ पहले से आवास पर आयोजित 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे जिन लोगों ने मिलकर इसे मारा है, बुरी तरह प्रताड़ित किया है और यह ठीक बात नहीं है। प्रशासन की मिलीभगत है, बखरी थाने में FIR नहीं लिया गया और यहाँ भी उसे अपराधी शब्द से घोषित किया, जबकि एक पक्ष उस जवान से किसी ने मिला नहीं, किसी ने उसकी इच्छा नहीं पूछी क्या बात हुआ है नहीं हुआ है। क्या लगता है दोषी कौन है? दोषी CO है, इसलिए कि जनमानस में प्रशासन उसका सर्वे कराएगा तो वहाँ पूरे जनमानस में व्याप्त है कि CO भ्रष्ट है और भ्रष्ट नहीं, बगैर पैसे के लेन देन का कोई काम नहीं करता है। पीछे वहाँ के लोकल विधायक सूर्यकांत पासवान ने भी उस CO के खिलाफ अनशन पर लोगों के साथ बैठे थे, लेकिन फिर भी प्रशासन मूक बनी रही और अंततोगत हुआ यह घटना अंजाम घटा, यह ठीक नहीं है। हम मांग करते हैं कि पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से इसकी जांच की करवाई जाए, इस मामले का उनके CO के संपत्ति का जांच करवाया जाए, जो यह है उचित है और हम न्याय जवान को मिलना चाहिए, संघ ये मांग करता है। क्या नाम है सर? क्या नाम? ऑनरेडी कैप्टन रामकृष्णा पाठक। सर एक क्वेश्चन।